नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। मुंबई में 6 घंटे में हुई 300 mm बारिश, स्कूल कॉलेज किए गए बंद, 5 ट्रेनें हुई कैंसिल, तो वहीं 4 धाम में 6,000 श्रद्धालु फंसे। इसके अलावा 11 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी। राहुल गांधी मणिपुर असम दौरे पर हुए रवाना, 14 महीने से जारी हिंसा के बीच तीसरी बार निकले मणिपुर दौरे पर, बाढ़ हिंसा प्रभावितों और गवर्नर से करेंगे मुलाकात। कोलकाता पुलिस कमिश्नर DCP पर गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा एक्शन, राज्यपाल की शिकायत पर की गई कार्रवाई। बता दें, दोनों पर आनंद बोस को बदनाम करने के लगे हैं आरोप। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पर्यटकों के लिए बंद किया गया रायगढ़ किला, सुरक्षा में NDRF टीम की गई तैनात। मध्य प्रदेश में हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार, रामनिवास रावत ने ली मंत्री पद की शपथ। बता दें, रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में हुए थे शामिल। उत्तराखंड उधम सिंह नगर में 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश, नदियां उफान पर, बारिश के आगे बेबस हुआ आम जनजीवन, 87 घरों और दुकानों में घुसा मलबा और पानी, मची तबाही। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मचा डेंगू का कहर, बीते दिन डेंगू के 80 नए केस आए सामने। पूरे राज्य की बात की जाए तो कर्नाटक में 160 नए केस हुए दर्ज, अब तक 6 लोगों की हुई मौत। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 100 अंक से ज्यादा की गिरावट, ये 79,800 पर कारोबार कर रहा। वहीं बैंकिंग और मेटल शेयर फिसले। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के पंचकुला में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। दरअसल यहां पिंजौर के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलट गई। वहीं हादसे में 40 से ज्यादा स्कूल के बच्चे घायल हो गए। आपको बता दें कि हादसे का कारण ओवर स्पीड बताया जा रहा है। वहीं बस में ज्यादा सवारी भरने से भी हादसा हो सकता है, लेकिन स्पष्ट कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। घायलों को पिंजौर के अस्पताल में पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में ले जाया गया। बताते चले कि गंभीर हालत को देखते हुए कुछ बच्चों को PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हादसे का कारण फिलहाल बस ड्राइवर द्वारा ओवर स्पीड बताया जा रहा है। बस में ज्यादा सवारियां होनी या ओवर स्पीड और सड़क की खस्ता हालत भी हो सकती है, जहां हादसे के बाद बस के ड्राइवर और कंडक्टर को निलंबित कर दिया गया है। हरियाणा के सरपंचों ने एक बार फिर से भाजपा सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें, रविवार को हिसार में सरपंच एसोसिएशन की बैठक में सरकार को बातचीत के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, जिस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के प्रधान और ब्लॉक प्रधानों ने हिस्सा लिया और आगामी फैसला 25 जुलाई को किया जाएगा। दरअसल सरपंचों ने बैठक के बाद हिसार के कांग्रेस के सांसद जय प्रकाश उर्फ JP से भी मुलाकात की। वहीं सरपंच एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान रणवीर गिल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार को 15 दिन का समय दिया गया है, सरकार सरपंच एसोसिएशन को उनकी मांगों पर चर्चा के लिए बुलाए, साथ ही जो कमी है उनको दूर करने का काम करे। बताते चले कि साथ ही चेतावनी भी दे डाली कि अगर सरकार ने सरपंचों को मीटिंग के लिए नहीं बुलाया तो उसके बाद सरपंच सरकार से कोई बातचीत नहीं करेगी। हरियाणा के हिसार में पब्लिक हेल्थ मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल रविवार को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने पहुंचे। दरअसल यहां उन्होंने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। वहीं मंत्री ने कहा कि तुरंत उनका ट्रांसफर किया जाए। बता दें कि मीटिंग शुरू होने के बाद जिला मौलिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी मंत्री के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिसार की DO निर्मल दहिया की कार्यप्रणाली अहंकार से भरी हुई है, वह कर्मचारियों का शोषण कर रही हैं, कर्मचारियों को बिना काम के देर तक बिठाकर रखती हैं, साथ ही मिसबिहेव करती हैं। साथ ही मंत्री ने DC प्रदीप दहिया को कहा कि उनके आदेशों को लागू किया जाए और शिकायतों का वक्त पर निपटारा किया जाए। साथ ही मंत्री ने इस मामले में हिसार SDM की अगुवाई में कमेटी बनाकर जांच करने को कहा। हरियाणा के भिवानी में JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला ने चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार पर जमकर हमला बोला। दरअसल अजय चौटाला ने कहा कि 2 चौधरियों ने क्षेत्रीय पार्टी बनाई थी, आज उनका नामो निशान तक नहीं है। साथ ही यह कहकर अजय चौटाला ने चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी व
पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल परिवार की हचका को भी निशाने पर लिया। बता दें कि अजय चौटाला ने कहा कि पूर्व सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह सोनिया गांधी का पल्लू पकड़े हुए हैं, तो उनके सपूत दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी का कुर्ता थामे हुए हैं। दरअसल अजय ने भिवानी में जसपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कहा कि वीरेंद्र सिंह ने भी किसी जमाने में अपनी पार्टी बनाई थी, उसका भी नामो निशान तक नहीं है। बताते चले कि अजय चौटाला के साथ पूर्व डिप्टी सीएम चौटाला भी मीटिंग में शामिल रहे, जहां अजय ने कहा कि राजनीति में काफी बुरा वक्त भी देखा है, हमें बीजेपी के साथ रहने से नुकसान हुआ है, लेकिन कार्यकर्ता हिम्मत ना हारे, कार्यकर्ता जोश के साथ अपने काम का प्रचार करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी फिर से मजबूत होकर उभरेगी। बात करें हरियाणा के मौसम की तो हरियाणा और पंजाब में मानसून ने पूरा जोर पकड़ा हुआ है, वही अब यह जोर आज से कम होना शुरू हो जाएगा। बता दें 12 जुलाई तक मानसून की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, इसका कारण हवाओं का बदलना है, जहां कल से हवा बदल रही है और इसके कारण दिन का तापमान एक बार फिर से बढ़ेगा। वहीं बीते दिन हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिली। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा बारिश हरियाणा के सिरसा, मेवात, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में सामान्य से मध्यम देखने को मिली। इसके अलावा अम्बाला, नारनौल, पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत में हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं पंजाब पटियाला में सबसे ज्यादा 56 mm बारिश देखने को मिली। इसके अलावा पठानकोट, बरनाला, फजिलका, फिरोजपुर और मोहाली में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।